प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेम फली हरी मटर गाजर का अचार बनाना बताएंगे। तो सामग्री में हमने हरी ताजी सेम ले लिया है, दो गाजर ले लिए हैं, छिलका उतार दिए हैं, हरी मटर ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेते हैं और गाजर का दोनों किनारों का हिस्सा काट कर फेंक देंगे और इसे छोटे पीस में काट लेते हैं। ये देखिए इस तरीके सभी गाजर हमने काट लिया है। अब हम सेम फली काट लेते हैं, इसे भी छोटे पीस में काटेंगे इस तरीके। सभी सेम फली हमने काट लिया है। अब हम हरी मटर का छिलका उतार के बीज निकाल लेते हैं इस तरीके। सभी हरी मटर का छिलका उतार के हमने बीज निकाल लिया है, ये देखिए। अब हम कढ़ाई में पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि सेम फली गाजर मटर डूब जाए। अब इसे हम उबाल लेते हैं, ये देखिए उबलने लगा है। फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसे हम धूप में फैलाएंगे। यह अचार बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, साथ में हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। ये देखिए, तो इस तरीके हम फैला देते हैं और इसे हम पूरा दिन के लिए धूप में फैलाएंगे, फिर इसे हम शाम के अचार बनाएंगे। गाजर मटर सेम फली को सूखने देते हैं। पूरा दिन सूखने के बाद इस तरीके हो गया है, ये देखिए काफी सूख गया है। तो आइए अचार बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए मसालों में हमने एक छोटा चम्मच पीली सरसों ले लिया है, एक बड़ा चम्मच सौंफ ले लिए हैं, एक बड़ा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच मेथी के दाने हैं, थोड़ा तेज पत्ता है, दो बड़े चम्मच धनिया ले लिए हैं, एक छोटा चम्मच काली सरसों है। तो इन मसालों को हम रोस्ट कर लेते हैं। मसालों को हम हल्का रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसे हल्का रोस्ट करना है। मसाले हल्के रोस्ट हो गए हैं, ये देखिए कलर काफ़ी चेंज हो गया है और खुशबू भी आने लगी है। तो इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। कढ़ाई में दो बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरीके गर्म कर लेते हैं। तेल अच्छी तरीके गर्म हो चुका है। गर्म तेल में गाजर सेम मटर डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके मिलाएंगे। ये हमने अच्छी तरीके मिला दिया है, काफी ठंडा हो गया है। मसाले भी हमने दरदरा पीस लिया है। एक चौथाई चम्मच हींग डाल देते हैं। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। एक छोटा चम्मच लाल कुटी मिर्च डाल देते हैं। अगर अचार आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च और भी डाल सकते हैं, कम तीखा पसंद करते हैं तो कम डालिए। मसाले डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक छोटा चम्मच विनेगर सिरका डाल देते हैं, जिसे सफ़ेद सिरका भी बोला जाता है। अब इन सभी को अच्छी तरीके मिला लेते हैं। ये हमने अच्छी तरीके मिला लिया है। अचार बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम प्लास्टिक के जार में रख देते हैं।
गाजर से मटर का अचार बनाने में बहुत ही आसान है। कम समय में कम सामग्री में बनके तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साथ में हेल्दी भी है। तो इस अचार को आप एक बार जरूर से जरूर बनाइए, खाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे बना है। आप इस अचार को सालों साल स्टोर भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। इस अचार को आप पूरी पराठा रोटी के साथ खाइए, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हों उसके साथ खाइए। अब इस अचार को हम 5-6 दिन तक धूप दिखाएंगे, फिर इसे हम खाएंगे। तो आज की गाजर मटर सेम की अचार की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।